श्लोक संख्या 8। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृद्यः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृद्यः आहारः सात्विक प्रियः। अर्थात जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो भगवान अब आहार का वर्गीकरण कर रहे हैं, भोजन जो हम खाते हैं किस तरह के लोग कैसा पसंद करते हैं। यहां ये बात नहीं हो रही कि किस तरह का भोजन बहुत अच्छा है, यहां ये बात हो रही है कि एक विशेष गुण में जो व्यक्ति रह रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो वो किस तरह का भोजन पसंद करेगा, रजोगुणी व्यक्ति को किस तरह का भोजन पसंद है, तमोगुणी व्यक्ति को किस तरह का भोजन पसंद है, इनके पसंद के अनुसार भी ये देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस गुण में रह रहा है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो सात्विक लोग हैं, सतोगुणी लोग, जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो देवी देवताओं के भी पुजारी हैं बेशक, लेकिन जिनके अंदर ज्ञान प्राप्ति करने की ख्वाहिश है, इच्छा है, जो लोग जानते हैं कि इस जीवन का जो लक्ष्य है वो और ऊपर बढ़ना है आध्यात्मिक रूप से, ऐसे लोगों को क्या चीज प्रिय है। यहां बताया है कि ऐसे लोगों को ऐसा ही भोजन अच्छा लगता है जो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के डॉक्टर के अनुसार हो सकता है आयु बढ़ाने के लिए वो मांस की सिफारिश करें या विभिन्न प्रकार के फिश ऑयल्स की सिफारिश करें कि नहीं ये खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, आप ज्यादा जी सकते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर भगवान ने कहा ऐसा भोजन आयु बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। जो सात्विक व्यक्ति भोजन करेंगे उसका जो गुण है वो ये कि पहले तो वो जीवन को शुद्ध बनाएगा। ये मांसाहार जीवन को शुद्ध नहीं अशुद्ध बनाता है। अशुद्ध हो जाता है जीवन, वृत्तियां अशुद्ध हो जाती हैं। हम अगर मांस खाते हैं तो किसी को मार के ही तो खाते हैं ना, तो ये मारना या किसी ने मार दिया, काट दिया और आप उसे खरीद रहे हैं तो भी आपने उस मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, हिंसा को बढ़ावा दिया और हिंसा से हिंसा का जन्म होता है। आप भी हिंसक होते चले जाओगे, जो मांसाहार करेगा वो हिंसक होता चला जाएगा। तो यानी कि अब उसका जीवन शुद्ध रहा नहीं, अशुद्ध होता चला जाएगा। उसकी सोच अशुद्ध होती चली जाएगी। शुद्ध जीवन वो है जो ज्ञान और भगवान की तरफ बढ़ाता है, ऐसा जीवन ही शुद्ध जीवन कहलाता है। अगर जो इसके विपरीत दुनिया की तरफ आपको खींच के ले जाता है वो अशुद्ध जीवन है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति ऐसा भोजन करता है जिससे आयु बढ़े, जीवन शुद्ध हो, बल मिले, जैसे कि घी, जैसे कि दूध, सब्जियां, दालें। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ, फल, औषधियां, अनेक चीजें भगवान ने दे रखी हैं शाकाहारी व्यक्तियों के लिए, जिन्हें खा करके व्यक्ति एक लंबी उम्र जी सकता है। गाय का दूध पी लीजिए तो उससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और वो मस्तिष्क भगवान की तरफ लगेगा, वो दिमाग भगवान की तरफ लगेगा, अंदर सात्विक वृत्तियां पनपेंगी। तो जो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय लगने वाला भोजन है वो जीवन को शुद्ध करता है, साथ ही साथ बल देता है, स्वास्थ्य देता है। कई बार ऐसे स्टडीज आई, ऐसे अध्ययन आए जहां पर साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये कहा कि जो व्यक्ति अधिक मांस खाता है उसे कैंसर हो सकता है, इतनी भयंकर बीमारी हो सकती है मांस खाने से। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेट है वो इस तरह का नहीं है कि ऐसे आहार को पचा सके। तो यहां बताया गया कि अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही आपको सुख मिलेगा और साथ ही आपको मिलेगी तृप्ति भी। बाकी भोजन के बाद आपको तृप्ति नहीं मिल सकती, पर सात्विक भोजन में आपको तृप्ति मिलेगी और सुख भी मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही तो सुखमय होता है। और जो सात्विक लोग होते हैं वो जब भोजन को पकाते हैं वो भगवान को भी अर्पित करते हैं, और जब वो महाप्रसाद बन जाए तब तो आप सोच भी नहीं सकते कि आध्यात्मिक रूप से किसी की कितनी उन्नति हो जाएगी महाप्रसाद खाने से। तो इसीलिए भगवान यहां पर सात्विक भोजन के गुणों को बताते हुए एक तरह से ये कह रहे हैं
कि सात्विक भोजन की तरफ आइए ताकि आप उत्तरोत्तर मेरी तरफ आते चले जाएं।